फरीदकोट के पिंड टिलवां कला विच शाम नूं पानी दी वारी तो हुए झगड़े दौरान बजुर्ग निर्मल सिंह दी गोली मार के हत्या कर दिती गई। इस वारदात दौरान मृतक दा पुत्र हरजोत सिंह भी जख्मी हो गया, जिसनों गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज फरीदकोट विच भर्ती करवाया गया। जानकारी मुताबक निर्मल सिंह दा अपने भरा जसविंदर करण अते जसवीर नाल लंबे समय तो जमीनी विवाद चल रहा सी। देर शाम दोवां धिरां विचकार बहस हो गई। निर्मल दे भरावां ने अपने हथियारां नाल गोलियां चला दित्तियां। इस दौरान निर्मल सिंह दी मौत हो गई ते उसका लड़का हरजोत सिंह जख्मी हो गया। सूचना मिलदियां ही थाना सदर दे SHO ते DSP कोटकपूरा ने घटना स्थान का जायजा लिया। निर्मल सिंह दी लाश नूं पोस्टमार्टम लई भेजिया गया। पुलिस अधिकारियों मुताबक मामले की जांच जारी है। पीड़ित धिर दे बयानों के आधार उत्ते आरोपियों खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दस दईए कि वारदात तो बाद सारे आरोपी घटना स्थल तो फरार हो चुके ने। एक इन्हों का आपस में फैमिली डिस्प्यूट से भरावान भरावान का, वो संबंध में इन्हों की की लड़ाई हुई है। हाल ही असी इन्हों के बयान लेने हैं। बयान लैन तो बाद जो बनती हुई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतने निर्मल सिंह की डेड बॉडी पई है, जिसे दो फायर इंजरियां है। एक जना दस दे फट्ट आ, वह गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज लै गए हैं। जो भी अगली नवा अपडेट होया आप जरूर शेयर करा। फिलहाल इन्होंने लोग आम लोगों को जो सुने वो मुताबिक चार दस रहे हैं, बाकी जिन्ना चर जो चश्मदीद गवाह जो दसन गए वो मुताबिक जो बनता वो कार्रवाई। इन्हां दा फैमिली डिस्प्यूट है भरावां दा ही, ते ये चार भाई ने, चौं भाइयों का आपस में जमीन दे पानी दे खाल दे जिहड़े घरेलू वंड है वो संबंधी रौला है, उहदे च इन्हां दा आपस में जो भी होया। इस वारदात मगरों पिंड टिलवां कलां दा माहौल सोगमई हो गया अते लोग आरोपियों नूं सख्त सज़ा देण दी मंग कर रहे हैं।